स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल पवार आप सब दर्शकों का व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय भीम बोलती हूँ। चर्चा की आज की इस कड़ी में हमारे साथ जो बात करेंगी वो है निशा जी, निशा जगदीश पाचा जी, महाराष्ट्र से हैं, आती हैं आप और तमाम वाल्मीकि समाज स्वच्छकार समाज के लिए काम करती हैं। आज हम आपसे कुछ चीजों पर के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। निशा जी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका स्वच्छकार समाज की आवाज में। आप अपना अपना परिचय और विस्तार से मुझे दीजिए। जी निशा जी। जय भीम कौशल और सभी व्यूअर्स को मेरा जय भीम। मेरा नाम निशा जगदीश पारचे है। मैं पुणे महाराष्ट्र में रहती हूँ और मानव मुक्ति संग्राम की प्रमुख सहायक के रूप में काम कर रही हूँ अपने उम्र के 17 साल से। आज 14 साल हो गए मुझे सफाई मजदूरों के प्रश्नों पे काम करते हुए। उसी के साथ क्रांति ज्योति की डायरेक्टर हूँ मैं। स्वच्छकार समाज के लिए काम करना की जो संकल्पना है वो कहाँ से आई अगर सोचे तो हमारे जो पिताजी है वो ऑफिसर लेवल पे रहे। हमारे ही माताजी जो है वो भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार करके रिटायर हुई। हम हमेशा बस्ती से अलग रहे हैं लेकिन हमारे माता पिता ने हमको कभी जो हमारी सच्चाई है उससे कभी दूर नहीं रखा। हमारे डैड हमेशा कहते थे हमको कि वो जब छोटे थे वो एक उनकी स्टोरी सुनाया करते थे कि मैं स्कूल जाता था एक कच्ची पहली में या पहली में 5 या 6 साल का वो बच्चा है और प्रार्थना में खड़े है सारे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ में ये भी खड़े है छोटा जब भी खड़ा है और एक पांडे नाम का एक टीचर है ग्राउंड पे कुत्ते ने गंदा किया होता है तो वो कहता है जा जब्बू जाके पाकिस्तान साफ करिए। तो इस तरीके से एक छोटे बच्चे के ऊपर क्या इसका कहते हैं ना असर होता होगा वो हमारे पिताजी ने हमको वो बात का एहसास कराया। हमारे डैड हमेशा कहते थे कि आप इस कम्युनिटी से हो और इस कम्युनिटी के लिए आपको काम करना है। आपके पास सारी सहूलतें है और उन सहूलतों का आपकी पढ़ाई का आपको इसके लिए इस्तेमाल करना। तो इस तरीके से उम्र के 17 साल में एक पुणे से एक छोटी संगठन थी तो वो हमारे डैड को पूछने के लिए घर पे आए कि पारचे साहब आप हमारे साथ में सफाई मजदूर की जो एक संगठन है उसमें काम करेंगे। तो हमारे डैड ने कहा था कि मैं तो है ना एक सरकारी नौकर हूँ संगठन में उस तरीके से उतना जुड़ के काम नहीं कर पाऊंगा। दूसरा मैं आपसे सीनियर हूँ तो मैं मेरी बेटी को पूछता हूँ अगर वो इजाजत दे वो अगर वो चाहे तो वो खुद काम करेगी। तो ये सोच रही है हमारे पिताजी की कि वो बेटी है बेटा है ये भेद उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने बच्चों से भी पूछा है कि आप ये काम करना चाहोगे उस काम के पीछे की जो मंशा है वो उन्होंने हमेशा हमको समझाई है। हमारा जिस तरह से बाबा साहब भी कहते हैं अगर आप अपना इतिहास नहीं जानोगे तो आप अपना वर्तमान या भविष्य नहीं बना पाओगे। तो उस चीज की जो है क्या कहते हैं ना हमको एहसास हमारे पिताजी ने करता है। और उम्र के 18 साल में राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन की पुणे शहर की उपाध्यक्ष रही। उसके बाद में 21 साल में जिस तरीके से यंगस्टर्स में हमने काम किया तो पुणे जिला के अध्यक्ष मुझे बनाया गया और उस वक्त मैं डिप्लोमा कर रही थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो कॉलेज में भी मुझे जो एक यूथ ग्रुप होता है उसके लिए नॉमिनेट किया गया उसमें भी मैं इलेक्शन में खड़ी थी। हालांकि वह हमारी प्रिंसिपल गोरे मैडम एक ब्राह्मण थी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करते हुए मुझे उसमें नहीं आगे जाने दिया लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिलता गया। और उसी तरीके से फिर क्या कहते हैं ना पॉलिटिक्स में थोड़ा सा एंट्री हुआ लेकिन पॉलिटिक्स में जब हम गए तो हमने देखा कि ये जो है ना एक मराठी में एक बोला जाता है राजकारण एक गज करना है। गज करना मतलब खुजली है उस तरीके की एक बीमारी है वो। और हमारे लोगों को जो है ना आज भी अगर हम देखें पूरे देश में तो हमारे कुछ गिने चुने ही चेहरे हैं जो पॉलिटिक्स में आगे आए हैं और अपनी बात रखते हैं। बाकी तो सारे इस तरीके से बना दिए गए हैं कि ट्रॉफी दे दी है बच्चे को तुम चुप रहो तुम अपना हित देखो समाज की बात मत करो ज्यादातर इस तरीके से। उम्र कम थी 18 साल की इतनी इस तरीके से लड़ना है उतनी मतलब सोच नहीं थी और गुस्सा बहुत ज्यादा था। तो करीबन 1 या 1.5 साल में राजकारण से पीछे हट गए हम पॉलिटिक्स से और सोचा कि समाजकारण की तरफ जाया जाए ना
कि हमको ग्राउंड लेवल पे काम करना। तब से हमारी जो बस्तियां है उन बस्तियों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं कॉलेज के बाद उनको पढ़ाने जाना, इनके हक अधिकारों के लिए इनको जगाना, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस संतक के माध्यम से हमने सफाई मजदूरों को जोड़ने का काम किया। लेकिन उसमें भी फिर ये ऐसे आया कि एक लड़की आपको लीड कर रही है ना, तो कुछ लोगों ने उतना उस तरीके से आगे नहीं जाने दिया। हमारे समाज में ये होता है ना कि पैर की जूती सर पर बिठा ली आप लोगों ने, और फिर उतना एप्रिसिएशन समाज की जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने दिया, लेकिन क्या कहते हैं ना, इनको ऐसा लग रहा था कि हमारी हमारी सत्ता की कुर्सी चली जाएगी अगर ये लड़की आ जाती है। तो उन लोगों ने उसमें मतलब बहुत दिक्कतें दी, एक कई बार दो बार तो हॉकी से हमला हुआ है, वही हमारे समाज के एक लड़के के घर के उनका घर एक उच्च जातीय थे, उन्होंने हत्या लिया था उनके, उनसे मतलब हमारे सब लोग थे उनसे बात करने के लिए हम गए थे, आते आते हमारे ही कुछ लड़कों ने हम पे हमला किया था कि लड़की हमसे आगे जाने लगी है ना, हमारे सत्ता छीनने लगी। इस तरह का संघर्ष रहा है, घर से बहुत सपोर्ट मिला, माँ बाप का भी, भाई बहन का भी। आज हमारा डैडी नहीं है, तभी मेरा भाई छोटा है मुझसे 5 साल, वो एक बैकअप करके खड़ा है मेरे पीछे। हमारे मम्मी रिटायर है एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रिटायर है हमारे मम्मी। हमारे घर में भी पहले जिस तरीके से है ना पूजा पाठ और ये सारी चीजें होती थी, लेकिन कॉलेज में रहते हुए मैं इस्कॉन में जो है भागवत पढ़ाने जाती थी और भागवत गीता भी पढ़ाने जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरे साथ के जो लोग उनको जाति का पता चल गया किसी तरीके से। हमारे डैड एक्सपायर हुए थे, उसके बाद हमारे घर पे भजन रखवाना था, तो उसलिए हम लोग मंदिर में गए थे। तब वो लोग गोत्र पूछते हैं, तो गोत्र से उनको जाति गोत्र तो हमारा होता नहीं है, तो वो हम बोल नहीं पाए। उससे इन लोगों को पता चल गया कि ये पिछड़ी जाति की ये बंगी की लड़की। तो उस इंसिडेंट के बाद में ना मंदिर में हमको पीछे मतलब उतना फोकस नहीं देते थे, आगे भजन गाने के लिए नहीं बोलने के लिए बोलते थे, पीछे बिठाते थे हर बात पे ना। तो धीरे धीरे उन्होंने हमको कट करना शुरू कर दिया। हमारे साथ के जो ब्राह्मण जो हमारे दोस्त कहते थे हमको खुद को, वो भी हमसे कटने लगे। फिर उसके बाद में हम पुणे की एक संस्था है मानुष की, उनसे उन्होंने हमसे संपर्क किया कि आप मैनुअल स्कैवेंजर को लेके काम कर रहे हो, यंग हो है ना, तो आप हमारे संस्था के साथ एज अ कोऑर्डिनेटर जुड़ना चाहते। उस संस्था में जाने के बाद आप संस्था में एंटर करते हो तो सामने बाबा साहब की फोटो है। इससे पहले हम कभी कभी बुरा भी लगता है, और ये सच्चाई है हमारे समाज की, हम पढ़ लिख जाते हैं लेकिन हमको सिर्फ बाबा साहब ने संविधान लिखा है, इसके अलावा कुछ भी आज तक क्या कहते हैं ना पढ़ाया नहीं गया है हमारी स्कूली शिक्षा में या कॉलेज की शिक्षा में, तो हमको इतना ही पता होता है। वहां जाने के बाद उनके एक दो सेमिनार अटेंड करने के बाद बाबा साहब के बारे में जाना, एनिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब की किताब पढ़ने के बाद में दिमाग और दिल और दिमाग की एक लड़ाई शुरू हुई। उस लड़ाई में फिर और किताबें पढ़ने की क्या कहते हैं ना वो अंदर से इच्छा जागी, और फिर बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया। जो लड़की कभी भागवत पढ़ाती थी और भगवत गीता पढ़ाती थी, हर क्या कहते पूनम में घर में सत्यनारायण की पूजा करती थी, वो लड़की टोटली आज नास्तिक। हालांकि हम जो है निसर्ग को पूजते हैं या मानते हैं तो सच्ची आस्तिक हम हैं, लेकिन हमको आज लोग नास्तिक कहते हैं, और जो पाखंड पूजते हैं वो एक्चुअली नास्तिक है लेकिन वो खुद को आस्तिक कहते हैं। तो इस तरीके से बदलाव आया। जी जी निशा जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही हूँ। मैं एक तो प्रोग्राम में गई हूँ आपके महाराष्ट्र में, एक बार मैनुअल स्कैवेंजिंग का ही प्रोग्राम था, एक बार प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ एक प्रोग्राम था, तो उसमें बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात के बाद मुझे ये समझ मतलब ज्यादातर लोगों के सवाल ये होते थे कि महाराष्ट्र में एससी कम्युनिटी का, खासकर वाल्मीकि कम्युनिटी का जो माइग्रेटेड है, उनके सर्टिफिकेट नहीं बनते। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है, क्यों नहीं वहाँ सर्टिफिकेट बन पाता। जी, जिस तरीके से आपने सवाल पूछा, महाराष्ट्र में 1960 के बाद का जो है आपको एविडेंस देना होता है कि आप उस वक्त से स्थलांतरित है। अगर आप उससे पहले स्थलांतरित है तो आप जिस गांव में रह रहे हैं या जिस कस्बे से आप आए हैं
वहां के गांव का आपको जो है ग्राम पंचायत का या जिले का जो भी है सर्टिफिकेट कास्ट का लाके देना पड़ता है, उसके बाद में वो यह वेरीफाई होता है। हालांकि वो जो ये थी अभी उसको शिथिल कर दिया गया है, अभी कास्ट सर्टिफिकेट की उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी बाटी की तरफ दिया गया है ये सब चीजें, और 50 साल की जो एक कहते हैं ना अट थी वो शिथिल कर दी गई है। जी निशा जी, मैं आपसे अंतिम सवाल के रूप में ये जानना चाह रही हूँ कि आप सामाजिक आंदोलनों में काम कर रही हैं लगातार, और न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में जो मैनुअल स्पेंजर है उसके बारे में भी आपका पूरा ध्यान है, तो स्वच्छकार समाज की आवाज के माध्यम से मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो स्वच्छ भारत अभियान है सरकार का, इसमें क्या सफाई कर्मचारियों को कोई फायदा मिला है मैनुअल स्पेंजर को? जी, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो तो जिस तरीके से 20 लाख करोड़ का पैकेज अभी हमारे प्रधान सेवक जी ने किया है उसी तरीका का एक वो कहते ना बबूला है, हमारे लोगों को उस तरीके से जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। 2013 का जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट है, जो 1990 का बंगी एक्ट को जो आगे दूसरा ये करके बनाया गया, उसके अंतर्गत हमारे लोगों को जो है 15 लाख का बीमा है। अगर कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हुए दिखाई देता है तो उसको तुरंत 40,000 रुपए पाकिस्तानी प्रशासन दिया जाए, इस तरीके का उसमें प्रावधान है। इनको की इनकी रिहैबिलिटेशन की बात उसमें की गई है, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 2013 को आज 7 से 8 साल बीत गए हैं, फिर भी महाराष्ट्र की जो बड़ी बड़ी कल्याण, उल्लासनगर, पुणे जैसी भी कुछ, पिंपरी चिंचवड जैसी जो महानगर पालिका है, उनमें भी इस मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, तो गांव कस्बों में तो और बुरी हालत होगी। आज हमारे समाज की ये दशा है कि हर तीसरे दिन हमारा भाई एक मैनुअल स्कैवेंजर जो है सीवर में उसकी मौत हो रही है, और उसकी जो उसको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो सरकार की तरफ से उस तरीके से नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारे जो लोग है ना वो अपने हक और अधिकार जानते ही नहीं, तो उसके लिए वो लड़ेंगे कहाँ से? उनके अंदर वो क्या कहते हैं ना, उतनी आग नहीं है ऐसे नहीं कहूंगी, है, लेकिन क्या कहते हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। दूसरा, जिस तरीके से अभी COVID-19 का ये जो महामारी चल रही है, इस COVID-19 में हमारा स्वच्छकार समाज का जो सफाई योद्धा है वो सबसे आगे इससे फ्रंट लाइन में खड़ा है, लेकिन उसको सिर्फ एक सैनिटाइजर और एक मास्क दे के काम कराया जा रहा है, जबकि ये फ्रंट लाइन योद्धा है अगर यही बह गए तो आप ये कोविड की महामारी है इससे कैसे लड़ेंगे? तो इनको सेफ्टी दी जानी चाहिए। जिस तरीके से ये स्वच्छ भारत अभियान है इसमें उनको सिर्फ एक बता दिया गया है, उनको उसके उसका पूरा प्रावधान नहीं मिल रहा है, उसकी पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही। अगर आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो कोविड में सबसे आगे ये लोग खड़े हैं, इनको कोई सुविधाएं नहीं है। ये लोग जो है डायरेक्टली मतलब जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया में यही लोग जाके काम कर रहे, इनको पीपी सूट नहीं है, इनको गम बूट नहीं दिया जा रहा, इनको कोई सुविधाएं नहीं है। अगर हम लोग, ये सरकारें जो है ये आंकड़ा छिपा रही है, लेकिन अगर सही आंकड़े सामने आए, जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए हमने देखा है, तो सबसे ज्यादा जो है ये जो सफाई मजदूर है ये COVID-19 से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और सिर्फ ये कैसे, छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं ये लोग, एक घर में 16-16, 17-17 लोग पॉजिटिव है। ये महाराष्ट्र की काम करते हुए सिचुएशन हमने देखा, पुणे में एक जो सफाई मजदूर है जो कचरे की गाड़ी खींचता है, वो उसका भाई और एक सफाई मजदूर, दोनों को भी जो है कोरोना पॉजिटिव निकले, उसके वजह से उनके फैमिली में 32 लोगों को क्वारंटाइन किया गया जिसमें से 22 लोग पॉजिटिव निकले, इसमें से एक की मौत हो गई उनके घर में, उसमें एक 4 महीने का बच्चा है, एक 16 महीने का बच्चा है। ऐसी खबर महाराष्ट्र के जलगांव से कल आई है कि एक सफाई मजदूर है उसके घर में 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये लोग अपनी जो है ना क्या कहते हैं ना कर्तव्य में पीछे नहीं हट रहे। मैंने कुछ अपने सफाई मजदूरों से बात की कि इस तरीके से आपको जो है आपको सेफ्टी देनी चाहिए इन लोगों ने, है ना, सरकार से हम लोग बात कर रहे हैं, आप भी बोलो। तो ये लोग इतने बोले, ये कहते हैं कि भी अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये सफाई कौन करेगा, ये महामारी और बढ़ जाएगी और कौन करेगा। बिल्कुल निशा जी, स्वच्छकार समाज की आवाज के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं अंतिम लाइन में? मैं आपसे जानना,
हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि ये जो फ्रंटलाइन योद्धा है ये सिर्फ COVID-19 की महामारी की बात नहीं है, इसके अलावा भी जितनी भी महामारियां आती है अगर हमारे लोग एक दिन काम करना बंद कर दे तो ये जो देश के हुक्मरान है ये इनकी जो कहते हैं ना इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी भी जिक्र किया हमारे लोग बहुत इमोशनल है और इमोशनली सोचते हैं, हमको हमारे हक अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना होगा, हमारे लिए दूसरा कोई नहीं आने वाला है। इसके लिए जो कहते हैं ना आधी आबादी हमारे घर की जो महिलाएं हैं और मैनुअल स्कैवेंजर में सबसे ज्यादा महिलाएं ही काम कर रही है, तो इनको खुद आगे आके अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। अभी तो COVID-19 में हम पीछे नहीं हट सकते, इससे पहले भी हमने कई मौके गवाए हैं, ये तो क्या मानवता की बात है, इसमें तो हम कह ही नहीं सकते कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन अपने हक अधिकारों की तो बातें सामने रखो कि हमको इस चीज की जरूरत है। ये सरकार के सामने आप जब तक नहीं बोलेंगे ना तब तक नहीं पता चलेगा, बच्चा भी जब तक नहीं रोता है तब तक माँ को नहीं पता चलता कि उसको भूख लगी है। तो अपने हक अधिकारों की लड़ाई खुद लड़े, इतना कहना चाहूँ। बहुत बहुत आभार निशा जी, आपने आज इतना कीमती समय मुझे दिया है, मेरे दर्शकों को दिया है, आपका बहुत बहुत आभार। आपको मैं जय भीम बोलती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी, आपने मुझे बात करने का मौका दिया, और हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं उनको मेरा जय भीम, जय भारत, जय।